So basically, आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड बीएनई है ना आज yes or no? yes. आज हम लोग एरे देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं एरे क्या होता है एरे कोई बताओगे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा किसमें होता है सिमिलर सी में सी प्लस प्लस में किसमें होता है सब में होता है सब में तो नहीं होता है ठीक है ना सो बेसिकली देखिए सिमिलर टाइप वहां पे होता है जहां पे हम टाइप डिफाइन करते हैं जहां हम टाइप की बात करें इंटीजर प्लॉट जहां पे होता है सी में इंटीजर प्लॉट आप पढ़ते हो जावा में पढ़ते हो और C++ में पढ़ते हो क्या जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल डिफाइन ये डेटा टाइप होता है क्या वैर के अलावा कोई नहीं तो क्या इसमें हम स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को यस सुनो बताइए किसमें सी सी प्लस में तो जावास्क्रिप्ट में होता है क्या वैर होता है तो आप कोई भी कर सकते हो यस सुनो चलिए तो एरे सिंपल है यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है वहां पे जो एरे पढ़ते हो वो डेटा टाइप होता है सी या सी प्लस प्लस या जावा यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो क्या है एक ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है एक ऑब्जेक्ट तो हम एक्चुअली में एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट यानी एरे समझो एक तरह से क्लास हुआ हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करते हैं कोई दिक्कत बच्चों तो कैसे बनाते हैं इसके लिए हम लिखते हैं न्यू एरे और उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या करते हैं वेरिएबल को देते हैं वैल्यूज को देते हैं कोई दिक्कत सब लोग सिस्टम निकालिए और ट्राई कीजिए उसको सारे लोग निकालेंगे सिस्टम एक ये पढ़ा होगा आपने ये बीएस ये बीएस कोड नहीं बोल रहा मैं विजुअल स्टूडियो स्क्रिप्ट बीएस है ना पढ़े हो है ना उसमें एरे जो होता है ना वो मल्टीपल टाइप डेटा को स्टोर करता है उसमें वो किसी टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना किसमें बीएस क्या कहते हैं उसको विजुअल स्टूडियो स्क्रिप्ट जो होता है बीएस स्क्रिप्ट होता है ना उसमें आप किसी भी टाइप के डेटा को क्या कर सकते हो
स्टूड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एनीवन जनरली हम लोग सी सी प्लस में कैसे बनाते हैं, वेर वेरिएबल का नाम इक्वल टू और बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, हेलो लिखते हैं, ट्राई कीजिए आप। इसमें भी इंडेक्सिंग होता है, आपको पता है, 0, 1, 2 सारे बच्चे नोटबुक निकालेंगे या सिस्टम निकालेंगे अपना, इनके पास जो है, कोई दिक्कत, निकालिए और ट्राई कीजिए उसको। ट्राई कीजिए बच्चों। सबसे पहली बात, एरे के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं आप, तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ, नॉर्मली देखिए एरे का कंसेप्ट आया था, एरे का कंसेप्ट आया था, नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, एक डेटा को स्टोर करना है, हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, और मान लो हमें सेम टाइप का डेटा को स्टोर करना हो, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना, तो हमें अलग अलग वेरिएबल यूज करने होंगे। मान लो 20 करना है तो अलग 20 वेरिएबल चाहिए, हमें 50 करना हो 50 वेरिएबल चाहिए, या सपोज करो हमें 100 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना हो तो हमें क्या 100 वेरिएबल चाहिए। अब क्या होगा प्रॉब्लम देखो, 100 वेरिएबल का नाम सोचना होगा आपको, साथ में क्या होगा, मान लो आपने नाम सोच लिया, स्टोर भी कर दिया, बाद में फिर जब एक्सेस करना हो तो कितना प्रॉब्लम होगा, याद रहेगा क्या आपको, उसके बाद भी उसमें नाम स्टोर करना एक मैनुअल कितना टीडियस टास्क हो जाएगा, तो हर एक चीज टीडियस हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एरे कंसेप्ट को यूज करते हैं, जहां पे हम सिंगल वेरिएबल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज एरे कंसेप्ट। कोई दिक्कत, तो नॉर्मली एरे आप कैसे बनाते हो, सी या सी प्लस प्लस में बताओ, वेर नॉर्मली कैसे बनाते हो, कंपाइल टाइम में वेर, और मान लो हम लिखते हैं कुछ भी एक्स नाम दे दिया, तो क्या होता है, ये यूज करते हो, अब इससे वेरिएबल स्टोर करना है तो मान लो स्ट्रिंग करना है तो क्या लिखोगे, नाम और वेरिएबल के पास किस बार का सी, कोई दिक्कत, हाँ बताइए, वेरिएबल के बाद किस बार का सी हो गया, वेरिएबल के बाद ए, उसके पहले यहाँ पे ऐसे भी चलेगा, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है आपका एक होता है, ये तो हम सिंपल बनाते हैं, एक और भी ऑप्शन हमारे पास है कि हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, न्यू कैसे लिखेंगे, न्यू एरे क्या लिखेंगे, न्यू एरे लिखेंगे, और इसके बाद जो भी वैल्यूज है इसके अंदर, कोई दिक्कत बच्चों, और फिर इसको हम सी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, एक ये भी तरीका है, दोनों ट्राई कीजिए, पहले उसमें देंगे वैसे ही जैसे देना है आपको, ठीक है, क्या दिक्कत हुआ,
यहाँ बैठ तो ठीक है, यहाँ बैठ ट्राई कीजिए इसका। क्या दिक्कत है तुमको? हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, दोनों ट्राई कर लिया आप लोगों ने, दोनों ट्राई कर लिया। अब देखो कुछ वैल्यूज रखो उसमें, कुछ वैल्यूज रखा आपने। आप चाहो तो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे सपोज करो इसकी भी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो एरे का नाम एक्स है, इंडेक्सिंग पता है आपको, ये जीरो से स्टार्ट होता है, वन टू इस तरह से जाएगा एन तक, जो भी उसका साइज होगा एन माइनस वन तक जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा। सपोज करो हमें इसको चेंज करना है, इस वैल्यू को चेंज करके देखना आप ट्राई करना, ठीक है? तो आप यदि लिखो वन और यहां पे लिख दो आप अर्जित,
ये लिखता है जी तो अरे जी ए आर आई ऐसे जे आई टी उसका जी जे के आगे भी आई होगा चलो ठीक है हो गया अब मान लो ऐसा हमने लिखा सो बेसिकली हुआ क्या ये चेंज हो जाना चाहिए तो पहले एरे डिफाइन करो फिर ये लिखो फिर प्रिंट करके देखो इसको क्या वो वैल्यू चेंज हो रहा है क्या ये काम इसमें भी करके देखो सेम काम तो बेसिकली आप इंडेक्सिंग की हेल्प से किसी भी डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो और किसी को चेंज भी कर सकते हो चलिए इतना ट्राई कर लिया आप लोगों ने अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एरे बनाने का दो तरीके से बना सकते हैं एक एरे ऑब्जेक्ट के हेल्प से और एक सिंपल तरीके से नाउ द पॉइंट इज कि एरे है ऑब्जेक्ट है तो आखिर से बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे यस वी कैन यूज मेनी बिल्ट-इन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ और एरे के साथ हम बहुत सारे बिल्ट-इन फंक्शंस क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं हम लोग उसको देखेंगे जैसे सपोज करो आपको लेंथ निकालना है क्या निकालना है लेंथ निकालना है उसके लिए हमारे पास क्या है लेंथ फंक्शन क्या है लेंथ फंक्शन सिंपल लिखोगे सिंपल एरे का नाम एक्स डॉट लेंथ फंक्शन नहीं है सिंपल लिखोगे एरे डॉट लेंथ वो क्या देगा आपको लेंथ मतलब साइज दे देगा कोई दिक्कत ट्राई कीजिए उसको जैसे मान लो हम इसका निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे x dot length इसको प्रिंट कर दीजिए कोई दिक्कत क्या देगा ये लेंथ दिया चलिए ये दे दिया आपको नेक्स्ट सॉर्टिंग कर सकते हो इसमें आप लिखोगे x dot sort function क्या लिखोगे sort function तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो ट्राई कीजिए इन सब चीजों को ट्राई कीजिए इसको ठीक है बच्चों और आपको पता होगा कि किसी भी एरे के साथ हम एक स्पेशल लुक यूज करते हैं पता है कौन सा लुक होता है फॉरिच लुक का नाम आपने सुना ये चीज जावा में भी है और इसको हम लोग स्पेशली कहाँ यूज करते हैं जावा में लुक के साथ जब हमें पूरे पूरे एरे को क्या करना होता है ट्रेड करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं वैसे यहाँ भी हमारे पास क्या है फॉर इच लूप है आप उसको यूज कर सकते हो कोई दिक्कत अब देखो मान लो आपको कोई नया एलिमेंट ऐड करना है इसमें तो आपने पुश पॉप का नाम सुना होगा फंक्शन का नाम आप पुश फंक्शन आपने आई थिंक स्टैक पढ़े हो क्या डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़े हो क्या लिस्ट ये लिंक लिस्ट स्टैक से परे हो गया डेटा स्ट्रक्चर नहीं परे हो गया अभी नहीं हुआ पुश एंड पॉप होता है पुश मतलब कोई भी वैल्यू उसमें एंटर करना पॉप मतलब उससे बाहर निकालना चलो सिंपल सा मैं कैसे बताता हूं यस क्या लिखा था शॉर्ट भी काम करना चाहिए
काम कर रहा है, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम देखो कहीं कुछ स्पेलिंग या कुछ शॉर्ट का स्पेलिंग देखो क्या लिखो, और ये लगाया उसमें फंक्शन का, ये काम करेगा, देखो बिल्कुल करना चाहिए। वैल्यू को थोड़ा सा जो लिए हो ना उसमें एक्स में उसको चेंज करके देखो, ट्राई करो, ऐसा तो नहीं पहले से सॉर्ट है, देखो किस तरह सॉर्ट है, कैसे कर रहा है सॉर्टिंग, ये अल्फाबेट के हिसाब से करता है, जैसे डिक्शनरी में कैसे होता है वैसे ही, ठीक है। बेसिकली अल्फाबेट भी नहीं कहो उसको, कह सकते आस्की वैल्यू कह सकते हो। जनरली होता क्या है ना कि आस्की वैल्यू मतलब जिसका आस्की वैल्यू इस अल्फाबेट पहला हो गया, यदि मान लो अल्फाबेट पहला सेम है तो सेकंड वाले को मैच करेगा, सेकंड वाले भी सेम है तो थर्ड वाले से करेगा, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कुछ फंक्शंस और भी हैं जो ट्राई कर सकते हो, पुश पॉप ट्राई करो, पुश एंड पॉप क्या पुश ट्राई कीजिए ना, PUSH पुश पॉप है। देखो पुश क्या होता है, जैसे कोई एरे है ना आपका, एरे है ये एलिमेंट है, आपको एक नया एलिमेंट इसमें ऐड करना है, आप क्या यूज करोगे पुश फंक्शन। तो क्या करना है, जैसे x डॉट पुश क्या यूज करना है आपको, x डॉट पुश, और उसके पैरामीटर में क्या देना है जिस एलिमेंट को आपको ऐड करना है, कैसे लिखोगे x डॉट, और यहां पे क्या लिखोगे, जैसे मान लो हमें क्या ऐड करना है, रवि, कोई दिक्कत, लेकिन बताओ मुझे जब हमें किसी लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो, क्या करना हो हमें, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो तो क्या पैरामीटर देने की जरूरत है क्या हमें, नहीं ना, हमें तो रिमूव करना है जस्ट। तो उस केस में लास्ट में जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, हमें बस रिमूव करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं x डॉट पॉप फंक्शन, क्या यूज करते हैं ये पहले ऐड करके देखो ऐड हुआ, देन आप ट्राई करना x डॉट पॉप फंक्शन, ट्राई कीजिए पहले उसको, ट्राई कीजिए ऐड होता है, हो गया। अब पॉप भी ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई किए ऐड हो रहा है, तो बता रहे हैं कितने उसमें क्या चीज ऐड हो रहा है, कुछ बता रहा है कि एलिमेंट बस कितने पड़ गए, 3 से 4, मैं यानी वो उसका लेंथ भी बता रहा है, यानी उसको लेंथ ही बता, बस लेंथ ही बता, कौन ऐड हुआ तो प्रिंट करके देखो ना उसको, देखो वो आपको ऐड कर देगा और फिर आपको लेंथ बताएगा, दैट इज, ठीक है ना, आपको देखना उसके बाद प्रिंट करके देखो, एक रिवर्स फंक्शन भी है, रिवर्स फंक्शन भी है, देखो रिवर्स ट्राई करो, है ना। पॉप किए तो लास्ट वाला लिमिट, अब समझिए यहाँ पे, समझिए बच्चों पॉप का मतलब होता है ना कि लास्ट इंसर्टेड वैल्यू को निकालना, मतलब सिंपल सी बात बताओ जब हम ये ऐड कर देंगे, सपोज हमने ऐड या इसी को छोड़ दोगे इसको भूल जाते हैं, अभी बात यही हमारे पास ऐड है, और हम क्या यूज करते हैं एक्स डॉट पॉप यूज करते हैं, सुनो ध्यान से पीछे वाले बच्चे, अमन, अमन का यस, अमन के आगे जो बैठा हुआ है बहुत दिखने में व्यस्त है, मैंने बोला मान लो हमारे पास ये एरे है और हम इसमें क्या करते हैं एक्स डॉट पॉप यूज करें, सो पॉप क्या करता है वो लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देता है, इससे एरे से हटा देता है, वो हटा देगा और साथ में ये रिटर्न भी करता है जिसको हटाया है, ये बताएगा कि देखो हमने इसको हटा दिया, कोई दिक्कत, सो जिसको हटाएगा उसका वो रिटर्न भी करता है, कोई दिक्कत। तो पुश देखिए, पॉप देखिए, उसके अलावा रिवर्स फंक्शन है वो भी देखिए, रिवर्स क्या करता है उल्टा कर देगा, ट्राई कीजिए रिवर्स फंक्शन, हो गया पॉप में लास्ट फंक्शन जैसे रिमूव किया, हमको लास्ट नहीं करना कोई और, उसके लिए भी अलग फंक्शन है ना, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए नेक्स्ट, पहले तो आप रिवर्स कीजिए उसको, लेंथ हो गया रिवर्स हो गया है ना, उसके बाद हाँ कॉन्केटनेशन एक होता है,
आप दो एरे को क्या कर सकते हो, कॉन्केटनेट कर सकते हो, वो भी ऑप्शन हमारे पास हो गया। अब मान लो ये बताओ मुझे, चलो ठीक है हमें एक वैल्यू को करना हो इसमें ऐड करना, तो ठीक है मान लो सपोज करो हमें मल्टीपल वैल्यू को करना हो एक साथ ऐड करना, एक से ज्यादा वैल्यू, तब क्या वन बाय वन करेंगे हम, क्या पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकैटनेशन यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे देखो मान लो सपोज हमें इसमें और भी दो वैल्यू, दो तीन वैल्यू ऐसे ऐड करना है, एक के लिए हमारे पास क्या है कुछ है ना, बट हम और भी वैल्यू करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे एक्स डॉट। सबसे पहले क्या होगा एरे का नाम, जो भी एरे में ऐड करना चाहते हैं, तो मान लो यहाँ पे एक्स है, एक्स डॉट क्या होगा ऑन कैट, और उसके बाद यहाँ पे जो जो वैल्यू देना चाहते हो वो दे, ठीक है जितने वैल्यू देना चाहते हो एरे के फॉर्म में दे, वो कॉन्केटनेशन कर देगा और ट्राई कीजिए। या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपके पास दो एरे है मान लो, तो आप या तो एरे का नाम दे सकते हो या वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू दोगे तो भी वो एरे ही हुआ ना। यदि आप मान लो लिखते हो x a b c 1 2 3 से लिखते हो, वो भी एक एरे है, या फिर आप एरे का नाम देते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। जैसे मान लो हम लिखेंगे x डॉट कॉनकैट, और यहां हम क्या कर देंगे y, y भी मान लो एरे हो, सपोज ये y भी एरे है सपोज, देन क्या करेंगे दोनों को कॉनकैटनेट कर देंगे, ठीक है। हाँ, आप किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स भी पता कर सकते हो, जैसे सपोज पर हमें पता करना है राम का इंडेक्स क्या है, श्याम का इंडेक्स क्या है, तो पोजीशन जैसे फाइंड करना, वो भी हम उसके लिए इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमारे पास है, क्या है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स में इंडेक्स स्मॉल में होगा, ओ कैपिटल होगा, फिर ऑफ होगा, कोई दिक्कत। उसके लिए आपको क्या देना होगा, सर्च एलिमेंट, क्या देना होगा सर्च एलिमेंट, ट्राई कीजिए उसको। इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स इसमें आप ये भी दे सकते हो जहां से आपको इंडेक्स सर्च भी करना, कहां सर्च करना, जीरो इंडेक्स से, वन इंडेक्स से, फोर इंडेक्स से, वो भी देना है। तो पहले तो सर्च एलिमेंट दोगे, कॉमा देगे वो एलिमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम इंडेक्स को कहते हैं, मतलब कहां सर्च करना, किस पोजिशन से, नहीं कुछ दोगे तो क्या होगा बाई डिफॉल्ट जीरो, ठीक है। ज्वाइन भी है, हो गया, कौन सा ट्राई करो अभी, क्या चीज किसमें एरर दे रहे हैं, इंडेक्स ऑफ में एरर दे रहा है, क्या दे रहा है,
क्या लिखे हो, इंडेक्स आपका फंक्शन नहीं लिखे हो ठीक से, जैसे x डॉट इंडेक्स ओ एफ ये तो इंडेक्स में बताएगा आपको, इंडेक्स समझिए बताएगा, लिखा तो है ना इंडेक्स ऑफ, ऑफ किसका, इसमें इंडेक्स ऑफ सीटा, इंडेक्स ऑफ सीटा क्या है देखो यहां टू होगा, ये बताएगा सर्च करना वो तो इंडेक्स नंबर का साथ में दे, एक तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा स्टार्टिंग सर्च करेगा, बट सपोज इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड फोर्थ क्वेरी उस चीज में आप कॉमा इंडेक्स दे, एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या लिखोगे x डॉट इंडेक्स ऑफ क्या लिखोगे यहां पे जैसे सीटा और तुमने मान लो दे दिया कॉमा 2 तो यहां सर्च करना स्टार्ट करेगा, कोई दिक्कत यहां से सर्च करना वो स्टार्ट करेगा। आई जस्ट फॉर देना क्या कौन सा लिखे हो बताओ, और वो सर्च कहां से करेगा वो बंद है, क्या सीता दिए हो, और सीता देखो पहली बात कौन सा पहला वाला या दूसरा रन किया, पहला वाला सीता उसमें है तुम्हारे एरे में, किस इंडेक्स पे है, तो क्या क्या है नहीं है सीता स्मॉल कैपिटल का कुछ फर्क किया हो क्या, देखो जैसे वैसे दोगे ना उसको चेक करो ठीक से, यदि मैच नहीं करेगा मिलेगा नहीं तो वो माइनस को रिटर्न करता है, मिल गया तो वो ट्रू रिटर्न करता है ठीक है, यदि मिल गया उसको तो वो जस्ट इंडेक्स रिटर्न कर देगा आपको जिस इंडेक्स पे मिला, नहीं तो फिर वो क्या करता है सोने के लिए आती है, फिर सुन रही हो ट्राई कर रही हो कुछ भी आराम से नहीं हो रहा तो बस सो जाओ, यही है ना, रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो कैसे समझ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, तुम लोग देखते हो दोबारा रिवाइज करते हो ना फिर से पूछते हो, हो गया, हो गया बच्चों, अब देखो यहां पे ये हो गया, अब ज्वाइन ट्राई करो, ज्वाइन ज्वाइन Joint function. So joint function joins all the elements of an array into a string. जितने भी integer है सबको string में convert कर देगा। कोई दिक्कत? और साथ में आपको separator भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? Separator. Suppose करो, जैसे कोई array है आपने कोई 1, 2, 3 को बनाया, आप लिखोगे ना array जैसे x है, आपने कोई array लिया इस तरह से 1, 2, 3, 4 और लिखते हो आप x dot join, क्या लिखते हो join, और यहाँ पे सेपरेटर देना होता है कि आप उसके बीच में क्या यूज करना चाहते हैं, तो कॉमा यूज करा, कॉमा दे देंगे, कोई दिक्कत, ट्राई कीजिए इसको, कुछ भी नहीं दोगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, कुछ भी नहीं होगा कॉमा ही होगा बाय डिफॉल्ट।
अगले क्लास में मैं जितना पढ़ाया उसका टेस्ट होगा। प्रोग्राम हम प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा, ठीक है? कुछ प्रोग्राम्स में बताया था फैक्टोरियल के, बताया थी सब प्रोग्राम्स, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ जावास्क्रिप्ट का सिंबल थोड़ा सा होगा। हाँ बताइए क्या चीज। कुछ भी नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या दोगे इसका मतलब वो सेपरेटर हुआ कि उसके बीच में क्या क्या सेपरेटर यूज कर रहे हो, कॉमा यूज कर रहे हो, दैट इज एक स्लाइस होता है, एक स्लाइस भी होता है। मान ली कोई एरे है, उसमें से कोई पार्टिकुलर एरिया आपको स्लाइस हटाना है, एक्सट्रैक्ट करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, स्लाइस। ये स्लाइस मतलब क्या हुआ, स्लाइस मतलब, अरे स्लाइस तुम लोग भी पिए हो ना, बोल्डिंग पिए हो, क्या मतलब है उसका, देखो प्रचार में लिखा होता है कि कैसे उसका कुछ पार्ट अलग करना, दैट इज स्लाइस, है ना। स्लाइसिंग मतलब कुछ पार्ट उसका अलग करना, तो यहाँ भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो कोई भी एरे है डॉट स्लाइस फंक्शन यूज करोगे, और डिपेंड करता है आपको कहां से कहां स्लाइस करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक देना है आपको, ट्राई कीजिए उसको, और फिर दोनों को प्रिंट कीजिएगा वो, है ना, दोनों को, उसके बाद फिर एरे को भी प्रिंट कीजिएगा। ट्राई कीजिए इसको और उसके बाद दोनों को प्रिंट कीजिए, इनिशियल एरे को भी प्रिंट कीजिए, क्या उस पे वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, देखिए यस स्लाइस में, स्लाइस में पैरामीटर की पैरामीटर, उसमें स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स देना है, किसके किसके बीच में स्लाइसिंग कहां से करना है, ठीक है। यदि स्टार्टिंग दिए हो ना तो वहां से लेके लास्ट तक स्लाइस कर रहेगा, यदि एंडिंग दिए हो तो वहां से लेके फर्स्ट से लेके वहां तक कर देगा, ठीक है, ट्राई कीजिए उसको। पीछे बात नहीं,
तो अरे आप लोग अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन था मैंने बता दिया, उसके अलावा आप देखोगे तो लिस्ट पॉइंट पे और या फिर डबल केस कोर्स पे वहां पे बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, क्लियर है बच्चों। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखते हैं कुछ टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत और रिवाइज करके आइएगा आप, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं रखता हूँ, मैं सरप्राइज रखता हूँ, कभी भी इस दो तीन दिन के अंदर जो छत्तीस चार क्लास में कभी भी ले सकता हूँ, तो सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है, ओके।